यस वेलकम आई डियर स्टूडेंट्स यस क्लास टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर नंबर एट फ्रैक्शंस यस क्लास फ्रैक्शन क्या होता है तो फ्रैक्शन मीन्स होता है आपका अ पार्ट ऑफ ए होल और ए कलेक्शन वेन वन ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ थिंग इज अ डिवाइडेड इन टू पार्ट देन ई पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल यानी कि फ्रैक्शन आपका क्या होता है आपको इक्वल नंबर्स में किसी भी चीज़ को आपको अपॉन के फॉर्म में लिखना या तो फिर हम कह दीजिए जैसे कि ये देखिए आप एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये पूरा बॉक्स है ठीक है ये पूरा होल है और फ्रैक्शन क्या होगा जैसे इसको आपने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है तो फिर हमने क्या किया तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यही हमारा क्या कहलाता है फ्रैक्शन कहलाता है ओके okay? अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन के फॉर्म में लिखना इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में लिखना तो जो हमारा अपर पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर जिसे हम कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं ठीक है क्लास आप लोगों ने इसको याद होगा तो क्लास फिफ्थ सिक्स आप में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा सॉरी थर्ड में सेकेंड में इस तरीके के आपने क्वेश्चन किए होंगे फ्रैक्शन ठीक है तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जैसे कि ये पूरा होल है ठीक है मैंने कहा इसको आपको फोर पार्ट में डिवाइड करना है तो आपने इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया वन टू थ्री फोर फोर पार्ट में डिवाइड करना मीन्स इक्वल डिवाइड करना ये नहीं कि एक प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और दूसरा कम होगा इसको हमको इक्वली डिवाइड करना है ठीक है अब मैंने कहा आपको इसको वन फोर्थ को आपको कलर करना है या फिर वन फोर्थ को आपको अलग निकालना है तो वन फोर्थ का मतलब यानी कि वन अपॉन और फोर्थ तो टोटल इसके कितने पार्ट्स हुए वन टू थ्री फोर पार्ट्स हुए वन टू थ्री एंड फोर और इसमें से शेडेड पार्ट कौन सा हो गया वन तो हमारे टोटल कितने पार्ट्स हो गए जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो हमारा फ्रैक्शन होता है जो हमारा शेडेड पार्ट होता है वो हमारा जैसे कि हमने इसको लिखा वन तो ये वन हमारा शेडेड पार्ट हो गया तो ये हमारा ऊपर आएगा जिसे हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा ऊपर अपर पार्ट पार होता है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है एंड द लोअर पार्ट जो हमारा होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है ठीक है फिर नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट आर एक्सरसाइज एक्सरसाइज एट पॉइंट वन यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका गिवन है शेड द फॉलोइंग फिगर एज अ डायरेक्टिव यहाँ पे जैसे दिया हुआ ए में वन टू दिया है तो टू हमारा क्या है टोटल पार्ट्स हो गए जैसे वन एंड टू आपसे क्या कह रहा है शेड करने के लिए तो शेड करने के लिए आपको क्या करना होगा को आपको शेड करना होगा ठीक है तो हमने क्या कर दिया वन पार्ट को हमने शेडिंग कर दिया और टोटल तो हमारा पार्ट्स कितना हो गया टू तो इसी तरीके से हमको इसको करना है फिर नेक्स्ट हमारा बी वन है तो बी को भी इसी तरीके से करना है अब देखिए वन थर्ड दिया हुआ है तो यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं वन टू एंड थ्री और आपको शेड कितना करना है वन पार्ट आपको शेड करना है तो हम क्या करेंगे हम इसको भी इसी तरीके से सेम करेंगे हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट को हम किसी भी पार्ट को हम शेड करते हैं हम चाहे इस पार कॉलम को शेड कर दें या तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस कॉलम को भी शेड कर सकते हैं हमको लेकिन करना सिर्फ वन ही कॉलम को शेड करना है ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर दिया ठीक है फिर नेक्स्ट आपका से दिया हुआ है वन फोर यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स कितने दिए वन टू थ्री एंड फोर तो आपको करना कितने को है ओनली वन पार्ट को शेड करना है तो आप वन पार्ट को किसी भी पार्ट को आप शेड कर सकते हैं तो आपने एक पार्ट को शेड कर दिया इस पे से क्लियर हो गया ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है आप लोग अच्छे से करेंगे तो ये चैप्टर भी बहुत ईजी है ओके क्लास नाउ द सेकेंड वन सेकेंड आपका क्या दिया हुआ है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन द फिगर मार्क द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको देखिए इसमें आपको बताना है जिस तरीके से ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है आपको क्या करना है यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है ठीक है और आपको ये भी बताना है कि कौन सा न्यूमरेटर है एंड कौन सा डिनोमिनेटर है तो हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी डिस्कस किया था हमारा जो अपर पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर होता है और जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर होता है तो नाउ लेट लेटस स्टार्ट आवर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करना है हमको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होगा तो लेट अस काउंट यहाँ पे टोटल आपका देखिए शेडेड पार्ट कितना है वन टू थ्री एंड फोर तो हमें क्या लिखना है फोर हम ऊपर लिखेंगे फिर नेक्स्ट टोटल पार्ट्स कितने हुए फोर फाइव सिक्स सेवन एंड तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए हमारे एट पार्ट्स हो गए तो हम लोग जिस तरह से टेस्ट में मार्क्स होते हैं टेस्ट में मार्क्स हम क्या करते हैं टोटल मार्क्स को हम नीचे लिखते हैं और जितने मार्क्स हम गेन करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं ठीक है अब इसी तरीके से ये हमारा ये कंप्लीट हो गया तो नाउ फोर्थ हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर एंड एट हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया ठीक है क्लास इसी तरीके से अब हमको क्या करना है बी वन को भी कंप्लीट करना है तो बी हमारा देखिए क्या है शेडेड पार्ट कितने हैं इसमें वन टू थ्री तो हमारे शेडेड पार्ट हुए थ्री और टोटल पार्ट्स कितने होंगे फोर एंड फाइव तो हमारे शेडेड टोटल पार्ट्स फाइव हो गए और थ्री हमारे क्या हो गए शेडेड पार्ट्स तो थ्री हमारा क्या हो गया न्यूमिनेटर एंड फाइव हमारा हो गया डिनोमिनेटर क्लियर है इसी तरीके से हमको सी वाला भी करना है तो टोटल शेडेड पार्ट्स कितने होंगे वन टू एंड थ्री तो हमने यहाँ पे लिखा थ्री और टोटल पार्ट्स हमारे कितने होंगे थ्री सिक्स एंड नाइन तो टोटल पार्ट्स हमारे नाइन हो गए तो थ्री हमारा हो गया न्यूमरेटर एंड नाइन हमारा हो गया डिनोमिनेटर इसी तरीके से डी वन भी तो so, डी हमारा है शेडेड पार्ट एंड टोटल पार्ट इज फोर तो नाउ द द्री इज आर न्यूमरेटर एंड द फोर इज आर डिनोमिनेटर ओके ना इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है ई वन तो ई हमारा टोटल शेडेड पार्ट्स कितने होंगे वन टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो भाई शेडेड पार्ट्स हो गए हैं सिक्स एंड द टोटल पार्ट इज सेवन तो सिक्स हमारा हो गया न्यूमरेटर एंड सेवन हो गया हमारा डिनोमिनेटर इन द सेम वे हमको एफ वाले को भी सॉल्व करना है तो एफ भी हमारा कुछ इसी तरीके से होगा तो एफ के आ, हमारे कितने पार्ट्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो एट हमारे शेडेड पार्ट्स

थ्री अपॉन फाइव ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया बी भी हमारा न्यूमरेटर फाइव है तो फाइव हमारा अपर केस होता है और, और लोअर होता है तो हमारा इस तरीके से फाइव अपॉन इलेवन हो गया इसी तरीके से हमें सी वाला भी करना है न्यूमरेटर फोर है डिनोमिनेटर सेवन है तो इसी तरीके से हमारा ये फ्रैक्शन हो गया फिर नाउ न्यूमरेटर हमारा फाइव दिया हुआ है डी में ठीक है और डिनोमिनेटर क्या कह रहा है डबल ऑफ न्यूमरेटर तो डबल ऑफ न्यूमरेटर मीन यानी कि फाइव है तो फाइव का डबल क्या हो जाएगा टेन तो हमारा डिनोमिनेटर को इस तरीके से बन जाएगा ओके okay? फिर नेक्स्ट कम ऑन टू द फोर्थ वन फोर्थ यहाँ द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है ओके okay, क्लास यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है जैसे फर्स्ट वन वन थर्ड थ्री इज रिटर्न एज तो वन थ्री को हम कैसे लिखते हैं वन थर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा एक आंसर वन थर्ड हो जाएगा ना no, बी क्या दिया है वन अपॉन फोर एज कॉल्ड तो वन अपॉन फोर एज कॉल्ड को हम क्या कह सकते हैं वन फोर्थ कह सकते हैं तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये बी बी आपका वन फोर्थ हो जाएगा ठीक है और वन फोर्थ को हम क्वार्टर भी कहते हैं तो बी में हम इन दोनों को लिख सकते हैं ठीक है ना सी no, हमारा क्या दिया है वन टू वन टू को हम क्या कह सकते हैं हाफ कहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं बी के बाद हमारा सी क्या होगा हा सी हो गया फिर डी दिया वन फिफ्थ इज ऑल्सो रिटर्न एज तो वन फिफ्थ दिया हुआ है तो वन फिफ्थ हमारा क्या होगा ये होगा हमारा सी के बाद हमारा क्या आएगा नेक्स्ट डी तो डी वन फिफ्थ दिया हुआ है ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है वन थर्ड मेक अ होल वन थर्ड क्या करता है वन थर्ड आपका वो बनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं का होता है तो ये हमारा क्या हो गया वन थर्ड मीन ई ई में हम क्या लिखेंगे थ्री ठीक है और हमारा एफ पे क्या आएगा क्लियर है क्लास आई होप ये फ्रैक्शन चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो इसको आप लोग अपनी अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा ओके क्लास एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास